हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ मॉनसून स्पेशल खीर पुड़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इस रेसिपी को जब भी आपका कुछ खाने का मीठा मन करे तब बना सकते हैं। बच्चों को बहुत पसंद आती है और ये खीर के साथ जो ये पुड़े बनते हैं इसको चीला भी कहते हैं, मीठा चीला भी इसे कहते हैं। ये खीर के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम खीर बनाएंगे, तो खीर मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने 1/4 कप चावल लिए थे, कोई भी चावल जो आप रेगुलर यूज़ करते हैं वो ले लीजिए। उसको मैंने भिगो दिया था आधे घंटे के लिए, पानी में अच्छी तरीके से वॉश करके सोख कर दिया था। और अब इसको पानी से निकाल करके प्रेशर कुकर में डाल दिया है। इसके अंदर मैं आधा कप दूध डाल रही हूँ। 1/4 कप चावल लिए हैं और आधा कप दूध लिया है, और इसमें मैं 3 से 4 विसल लगा लूँगी मीडियम हाई फ्लेम पर। 3-4 विसल लगाने के बाद प्रेशर कुकर को बिल्कुल ठंडा होने देंगे, उसके बाद ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए चावल अच्छी तरीके से पक चुके हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। तो मैंने यहाँ पे एक पोटैटो मैशर ले लिया है, इसकी हेल्प से मैं इसे मैश कर लूँगी। और थोड़ा थोड़ा सा मैंने इसमें दूध भी डाल दिया है, और दूध डाल करके इसको अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। ये देखिए बहुत अच्छे से मैश हो गए हैं, और अब इसके अंदर मैं एक्स्ट्रा दूध ऐड करूँगी। तो इस तरीके से आप जब खीर बनाएंगे तो खीर बहुत जल्दी बन जाएगी और एकदम रबड़ीदार मलाईदार खीर बनेगी, एकदम गाढ़ी गाढ़ी खीर बनेगी। तो इसके अंदर मैं फुल क्रीम मिल्क ऐड कर रही हूँ। 1 लीटर दूध है इसके अंदर, फुल क्रीम 1 लीटर दूध ऐड किया है मैंने। और अब इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से, और फ्लेम को ऑन करके अब इसको हम पकाएंगे धीरे धीरे। खीर को चलाते हुए पकाएंगे, जब तक इसमें बॉयल नहीं आता तब तक इसको चलाते रहेंगे। साथ में मैं यहाँ पर कुछ केसर के धागे ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, इससे बहुत अच्छा कलर भी आ जाता है खीर का और बहुत अच्छी खुशबू ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने ये धागे ऐड कर दिए इसके अंदर, और इसको चलाते हुए तकरीबन 2-3 मिनट के लिए इसको मीडियम हाई फ्लेम पर बॉईल कर लेंगे। खीर को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। देखिए खीर अच्छे से गाढ़ी हो गई है, चावल अच्छे से मिक्स हो गए दूध में। और अब इसके बाद इसके अंदर मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लें। मैंने यहाँ पर आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी ऐड की है, क्योंकि मेरे यहाँ पे थोड़ा सा मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैंने ज़्यादा डाली है, आप कम भी डाल सकते हैं। और इसके बाद 1 चम्मच इसमें डाल दिया मैंने इलायची का पाउडर। हरी इलायची को क्रश करके, ताज़ा क्रश करके डालेंगे तो बहुत अच्छा ही इसके अंदर फ्लेवर आएगा। साथ में ड्राई फ्रूट्स डाल दिए बारीक कटे हुए, मैंने इसके अंदर ऐड किया है थोड़ा सा बादाम बारीक कटा हुआ, थोड़े से मैंने नारियल डाले हैं। आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। 3-4 मिनट मैंने इसे और पका लिया है। खीर हमारी अच्छी गाढ़ी हो गई है और अब खीर बनके रेडी है, इसको हम अलग रख देते हैं। अब पुड़े बनाने के लिए यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा लिया है, जो नॉर्मल हम रोटी बनाते हैं वही आटा यूज़ किया है। इसके अंदर मैं 4 छोटे चम्मच चीनी डाल रही हूँ, क्योंकि खीर के साथ बना रही हूँ तो खीर जो है बहुत ज़्यादा मीठी होती है। तो पुड़े को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं आप, टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 4 छोटे चम्मच चीनी डाली है इसमें, और अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका बैटर बना लेंगे। आपको एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालना है और थोड़ा थोड़ा इसको मिक्स करते जाना है। इसे जब बैटर आप बनाएंगे तो इसमें लम्स नहीं पड़ेंगे। अच्छा, इसमें आप कुटी हुई सौंफ डाल सकते हैं थोड़ी सी, मेरे यहाँ पर किसी को पसंद नहीं है, बच्चों को सौंफ वगैरह का फ्लेवर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने सौंफ को यहाँ पर अवॉइड किया है। आप चाहें तो थोड़ी सी क्रश की हुई सौंफ इसके अंदर डाल दें तो उसका फ्लेवर भी इसमें बहुत अच्छा आता है। और अब इसको चलाते हुए मैं मिक्स कर रही हूँ कंटिन्यू। बैटर हमारा काफ़ी गाढ़ा है, इसके अंदर थोड़ा पानी और ऐड करेंगे और फिर से मिक्स कर लेंगे। जो पुड़े का बैटर है वो बहुत ज़्यादा आपको पतला नहीं करना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, कंसिस्टेंसी आपको इस तरह की रखनी है। जब आप ऊपर से डालेंगे तो एकदम फ्लो में गिरना चाहिए। तो ये हमारा बैटर रेडी हो चुका है, इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे और उसके बाद इसके हम पुड़े बना लेंगे। तो 5 मिनट के बाद मैंने इसके पुड़े बनाने शुरू कर दिए हैं। यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा बटर डाला है और थोड़ा सा ऑयल डाला है तवे पे, और अच्छे से फैला लिया था तवे पे। उसके बाद मैंने 1.5 चम्मच बैटर इसके ऊपर डाला है, और अब इस बैटर को भी हल्के हाथ से इस तरीके से फैला लेंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे इस वक्त, और इसको अच्छी तरीके से फैला लेंगे जितना बड़ा आपको इसको बनाना है। चीले आमतौर पर थोड़े बड़े साइज़ के बनते हैं, मालपुए छोटे बनते हैं और चीले थोड़े से बड़े साइज़ के बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने पतला पतला इसे फैला लिया, फ्लेम को ऑन करके मैंने लो फ्लेम पर इसको पकने दिया है। जब तक कि ऊपर से ड्राई नहीं हो जाता तब तक इसे पकाएं। ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डाला, और अब इसको पलट करके हम दूसरी साइड से भी इसको इसी तरीके से सेक लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको पलट लिया, और अब दूसरी साइड से भी इसको ऐसे ही सेक लेंगे। दोनों साइड से अच्छा सा
कलर आने तक इसको सेक लीजिए। लो फ्लेम पे सेकना है, लो मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे नहीं सेकना, नहीं तो ये जल जाते हैं। इसी तरीके से एक और मैं बना करके आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने हल्का सा इसमें ऑयल डाला, फ्लेम को लो रखा है, ऑयल को फैला लेंगे और इसके ऊपर एक 1.5 चम्मच के बराबर मैं बैटर डाल रही हूँ फिर से, और बैटर को इस तरीके से हल्के हाथ से फैलाते रहेंगे। बहुत ही आसानी से फैल जाता है, जितना बड़ा आपको बनाना है फैला लीजिए। और ये हमने बैटर को अच्छे से फैला लिया, पतले पतले हम यहाँ पे पूड़े बना रहे हैं इसके, बस ये हमने फैला लिया। आप ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ऊपर से ड्राई होने तक इसको पका लेंगे और इसके बाद इसको पलट लेंगे। तो मैंने यहाँ पे देखिए ऑयल डाल दिया इसमें, ऊपर से ड्राई हो गया है, अब इसको मैं पलट लेती हूँ। तो बरसात के मौसम में इस तरह की चीज़ें खाने का अक्सर मन करता है और पसंद भी आती हैं, तो आप भी इसे घर में बनाइए, बच्चों से लेकर बड़ों को सबको बहुत पसंद आएंगे। और ये देखिए हमारे नरम मुलायम पूड़े बन के रेडी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, खीर के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब मैं खीर को भी सर्व कर लेती हूँ, खीर को मैंने ठंडा कर लिया है और ये हमारी गाढ़ी गाढ़ी खीर हो गई इसके साथ, इसको मैं सर्व कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये खीर को भी सर्व कर लिया। आप इस तरीके से ये खीर पूड़े की रेसिपी को एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाएं, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पर खीर पूड़े हमारे बन के रेडी हैं, बहुत मज़े के बनते हैं, आप भी बनाएँ और घर में सबको खिलाएँ, सबको बहुत पसंद आएँगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।